साथियों नमस्कार। साथियों आज की जो घटना हुई है लाल किले पे, वो उसको एक तरह से धार्मिक रंग देना जो है वो निंदनीय है। और हमारा जो आंदोलन है वो केवल किसानों का है, जन आंदोलन है, ये धार्मिक आंदोलन बिल्कुल नहीं है। और दीप सिद्धू ने जो किया है हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और हमें लगता है वो सरकार का दलाल है, बहुत दिन पहले से गड़बड़ कर रहा है। हर बार जो किसान नेता है उनके विरुद्ध बोलता है, भड़काता है उनके खिलाफ, हर बार का यही काम है। और आज जो उसने किया वो अति निंदनीय है। हमारा लाल किले पे जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, वो बागी होके गया है। और लोगों को भी उसके जो बहकावे में इस बात पे आगे कि हम रिंग रोड पे जाएंगे, लोगों को भी ये मालूम नहीं था कि लाल किले पे जाएगा। तो हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और ये आंदोलन जो है इसको बिल्कुल किसानों का आंदोलन है और किसानों का ही रहेगा। तो कोई भाई किसी तरह के बहकावे में ना आए और कोई भाई किसी तरह के कोई जो है वो गलतफहमी में ना पड़े। और हम सरकार की भी निंदा करते हैं, दिल्ली प्रशासन की निंदा करते हैं जिसने आज किसानों पे गोलियां दागी और किसानों को शहीद किया। पहले से जो सरकार का रवैया था वो अच्छा नहीं था। हम जो रूट मांग रहे थे वो रूट देने में सरकार को नुकसान नहीं था। उस ये जो यहाँ के प्रशासन ने किया है ये उसकी गलती है, भारी गलती है। कई बार मैं उनको चेता चुका था कि आप ये रोड जो है ये रास्ता हमें दीजिए, ये ना देना गलत होगा, लोग बागी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ के प्रशासन ने बड़ी भारी गलती की है। अगर पहले से सही रास्ता देते तो पहले से ये रूट सही बनते और लोग बागी ना होते। लेकिन अब भी मैं बेनती करूंगा कि ये आंदोलन ये धार्मिक आंदोलन नहीं है, केवल किसानों का आंदोलन है और किसानों का आंदोलन ही रहेगा। और दीप सिद्धू जैसे जो लोग हैं उनसे सभी भाई बचें, अफवाहों से सभी भाई बचें। सभी का धन्यवाद।